ویلکم بیک ټو پخیر پختون خالدون کې زلی بیا ستړي مشي پخیر پختون خو ته نن د یو نه بل آرت سره تړلي خلک چې کومه روان نه ځکه چې آرت کې مونږ سره چې دی عبدالی صاحب نو اوس مونږ سره چې هغې نه پس بیا تنویر او هغې چې تھیټر ماشاءالله 200 ڈراماز هغې کړي اوس ما سره سندرغاړي ناست دی جی جناب هغه ما سره ناست دی بلال خالد او هغې سره ګیټارست دی جان صاحب دواړه ستړي مشي جی خوش آمدید थैंक यू सो मच। अच्छा पश्तो बोल तो नहीं सकते मुझे पता है पश्तो समझ में आती है कुछ? हाँ जी। अगर कोई आपके खिलाफ बात करे तो आपको समझ में आता है? वो आ जाती है समझ। तो मुझे बताएं कि बिलाल आपका ताल्लुक कहाँ से है और कब से म्यूज़िक के साथ आप हो या म्यूज़िक सीख रहे हो या म्यूज़िक कर रहे हो? मैं बेसिकली जोहराबाद से हूँ, जोहराबाद खुशाब। ओके। और म्यूज़िक मुझे 6-7 साल हो गए हैं और आई एम राइटर, सिंगर राइटर एंड कंपोजर एंड मेरे ऑफिशियल 8 to 9 सॉन्ग्स हैं एंड आई हैव अ बैंड स्पार्क द बैंड बेसिकली राइट नाउ वी आर हियर स्पार्क द बैंड। अच्छा तो मुझे बताएं कि आपने कहा ना कि मेरे ऑफिशियल सॉन्ग हैं तो वो सॉन्ग्स ज़्यादातर उर्दू में आपने गाए होंगे कि नहीं पश्तो में भी कोई गाना गाया है? ज़्यादा जो हैं वो पंजाबी हैं। पंजाबी कज़ा में पंजाबी हैं। अच्छा। और 3 सॉन्ग जो हैं वो मेरे उर्दू हैं। ठीक है। और पश्तो बेसिकली मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पश्तो पसंद थे तो मैंने 2-3 पश्तो फिर सीखे। ओह अच्छा, हाँ अच्छा। और फिर वही मेरा एक सॉन्ग जो मैंने उसको कवर किया तो लोगों ने बहुत लाइक किया, एक पश्तो सॉन्ग है। हाँ, बिल्कुल। जो हम यहाँ पे गाएंगे। तो बैंड की आपने बात की जी, लोग पसंद करते हैं, जाते हैं आप लोग परफॉर्मेंस के लिए? जी हाँ बिल्कुल, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आजकल जो इवेंट्स चल रहे हैं, मे बी यू नो अबाउट डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो ये जो फेस्टिवल्स जो होते हैं इनमें हम परफॉर्मेंसेस के लिए जा रहे हैं। और तो कौन लीड कर रहे हैं ग्रुप को, कौन है, कितने लोग हैं? हमारे 5 मेंबर्स हैं एंड आई एम लीडिंग इट। अच्छा ठीक है। एंड अलोंग विद दैट आई एम लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी। तो मेरी खांसी तो उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं, नहीं, नहीं। और मुझे बताएं कि म्यूज़िक में आप आए 6-7 साल तो हो गया, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स बंदे को शौक तो होता है पहले शुरू से, तो कब से शौक था, किसको सुनते थे, कैसे, किससे सीखा आपने बाकायदा? मैं कॉलेज में था तो कॉलेज से मैंने इसको स्टार्ट किया, मतलब क्लासेस में जिस तरह कोई फ्री पीरियड होता है तो स्टूडेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं या टीचर्स परफॉर्म करवाते हैं, तो तब मैंने इसको गाया तो टीचर्स ने लाइक किया। इस तरह फिर अपने डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर फिर डिवीज़न सरगोधा इस तरह लाइक मैंने फेम हासिल करते करते फिर पंजाब, नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग ऑन पाकिस्तान लेवल और एक ओएसटी कर रहा हूँ मैं एक ड्रामा का। अच्छा गुड। हाँ जी। तो अब क्या सुनेंगे शुरू में आपसे? अभी हम आपको पश्तो सॉन्ग सुनाएंगे। ओए अच्छा, शुरू में ही पश्तो? पश्तो से। ठीक है जी। जॉन साहब आपको पश्तो समझ में आती है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं समझ भी नहीं आती आपको जी। अब बिलाल ने कह दिया कि मुझे समझ में आती है, फिर मैं इसके खिलाफ अभी कोई बात करूंगी, देखती हूँ उसको समझ आती है। यो कैसा को नसंदर होऊंगा बिलाल और जी। ओके स्टार्ट सी चार और सी से। तोरर बल में रान की मरमा अल्लाह ब्या खबर जान की मरमा तोरर बल में प्राण की मरमा अल्लाह ब्या खबर जान की मरमा म जाना ले दले दे खत में और लिख ले दे म जाना ले दले दे खत में और लिख ले दे बयान कई मरमा अल्लाह ब्या खबर जान कई मरमा इजराइल ने जिते राजे बस बिन मख में खोले राजे इजराइल ने जिते राजे बस बिन मख में खोले राज शुरू राता कुरान कई मरमा अल्लाह ब्या खबर जान कई मरमा म जाना ले दले दे खत में और लिख ले दे म जाना ले दले दे खत में और लिख ले दे खत में वर बयान कई मरमा
अल्लाह त्या खबर जाना कई मरमा लोए लोए मंजिलों ना दे खड़ खड़ सैलाबों ना दे लोए लोए मंजिलों ना दे खड़ खड़ सैलाबों ना दे समारा तलार कई मरमा अल्लाह त्या खबर जाना कई मरमा खबर जानबल में प्राण की मरमा अल्लाह खबर जाना की मरमा तेरखा बहुत अच्छे समझ में आया कि क्या कह रहे हैं जी समझ में आ रहा है ना कि ये क्या बोल रहे हैं मेरी जानान को खबर करो कि मैं मर रहा हूँ इज़राइल ने दे राजी इज़राइल मेरे नज़दीक आ रहा है पसपिन मख में खुले राजी मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा है शुरू रदा कुरान कुरान शुरू करो मैं मर रहा हूँ वेरी गुड लोई लोई मंजिरों ना देखा अच्छा बताएं कि अभी ज्यादातर सिंगर खुद गिटार बजाते हैं तो आपको गिटार बजाना नहीं आता मुझे आता है लेकिन मैं जब प्ले करता हूँ तो मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट समटाइम नहीं कर लिरिक्स पे और कंपोजिशन पे मेरा फोकस होता है जरा हमें जरा बजा के दिखाएं आए हैं थोड़ी आप कह लेंगे कि मुझे बजाना आता है हम मान लेंगे क्या अच्छा नहीं किसी हाँ जी तेरा मेरा रिश्ता पुराना तेरा वैसी सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रहे हैं कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो आप क्यों ना उठे ठीक है तो ये आपको जॉन सिर्फ ये आपको जानबूझ के लेके आया नहीं ये गिटार अभी तो क्या कोऑर्डिनेशन तो आपकी थी आप तो गा भी रहे थे बजा भी रहे थे गिटार लेकिन बस फोकस जो होता है ना साथ गिटारिस्ट और फिर और मजा आता है ठीक है हमारे पास एक कॉलर है जी मुसरत हेलो हेलो दीदी नुमदे जी बिलाल हाँ जी और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये बहुत फखर की बात है ये गाना तो इतना हम सुन रहे हैं इतना सुन रहे हैं और बड़ा क्योंकि पश्तो में बोलना और फिर मतलब भी आपको समझ आती है जी बड़े फखर की बात है हमारे लिए और बहुत हाँ बिल्कुल हम बहुत खुश होते हैं जिन लोगों को हमारे मतलब नहीं हो गाते हैं उसमें और अच्छा गाते हैं वो हाँ जी और दादा ना दूरा टूर मोदी का ना अल्लाह उन्हें बीमारी उर्दू में बोले ना कि बिलाल को समझ में तो आए ना कि आप उसके खिलाफ बात कर रही हैं थोड़ा सा भी जिस्मानी तौर पे भी बीमार हो दिल के दौर में ये गाना सुन रहे होते मैं कहती हूँ पता है इसराइल आएगा तो क्या पता चलेगा पता लग जाएगा आजकल मैं बीमार हूँ ये गाना नहीं गा सकोगे मुझे बुखार है तो मैं कहती तो मैंने पता नहीं किसको मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं मर रही हूँ ऐसे ही होता है आपको जब बीमार होते हैं तो किसी लग रहा होता है नज़ाकी वक्त ले जाते हैं आप हमें हम कहते हैं शायद वाकई इज़राइल खड़ा होगा थैंक यू मुसरत बीबी थैंक यू फॉर कॉल डीडी रज़ियात तमन्ना थैंक यू सो ऐसा तो होता होगा कि जैसे आप जैसे आए मैंने आपके साथ पश्तो में बात करना शुरू कर दी फिर आपने कहा मुझे पश्तो नहीं आती तो ऐसे फैंस भी ये गाना जो है अच्छा आपने गाया और मैंने वीडियो क्लिप भी देखी है तो लोगों का ये भी तो होगा ना कि आपके साथ पश्तो में बात कर लो नहीं मैं तो पश्तो बोलता नहीं हूँ हाँ इस तरह होता है मैक्सिमम मैं कहीं गैदरिंग में जाता हूँ हाँ। तो लोग मुझे जब मैं ये सॉन्ग या कोई भी आपको तलफ्फुज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छा आपने वो अदा किया मैंने बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं कि जो पश्तो का गाना गाते हैं तलफ़ुज़ उनकी ठीक नहीं होती क्लियर नहीं होती उतनी तो पता लग रहा होता है कि ये इसकी जुबान नहीं है लेकिन आपने तो कितना प्रैक्टिस किया आपने इसके ऊपर इसको मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया ज्यादा मैंने तलफ़ुज़ पे फोकस किया कंपोजिशन तो समझ आ जाती होती है कोई भी कंपोजर होता है उसे समझ आ जाती है कि इसके ना अप्स एंड डाउन जो है वो यहाँ से इस तरह है यहाँ से मैंने इसको उठाना है लेकिन जो तलफ़ुज़ है वो मेरे फ्रेंड्स जो वो मुझे वर्ड कोई भी होता था वो बताते थे ऐसा नहीं है खौले है खौले ही राजी इस तरह इसको बोलना है मतलब साथ साथ गाइड करते थे तो फिर वर्ड्स मेरे इस तरह पक्के हो गए अच्छा तो ये बताएं कि आपने कहा ना कि आप लिखते भी हैं खुद अपने गाने कंपोज भी करते हैं जी ठीक है तो
अपना कुछ सुना दें हमें अपना। हाँ अपना अपना और न्यू वन करें सी शार्प माइनर पे उसका एक क्लिप सुनाएंगे छोटा सा ठीक है ठीक है जब तू करीब था मेरा तबीब था हुआ मालूम ना मेरा नसीब था हुआ ना आशना तो किया दिल बना समझा ना तू कभी मेरे दिल की जुबां है मुझ में मौजूद तेरा ही वजूद तुझसे हम न्यू कंपोजिशन है इसको हमने प्रॉपर अभी कंपोज कर लिया है लेकिन सोन इसको हम रिलीज करने जा रहे हैं तो इसलिए इसका मैंने बस एक पार्ट सुनाया आपको। बिलानी ये बताएं कि म्यूजिक सीखना कितना ज़रूरी है। म्यूजिक सीखना उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आते हैं ना अभी तो चूँकि सोशल मीडिया है तो कोई भी आके गा लेता है उसे गाना हिट हो गया लेकिन जब आप उनसे कहते हैं कि आप जरा गा के सुनाएं या आपको उसको नॉलेज भी इतनी नहीं होती वो गा भी नहीं सकते हैं पर वो सिंगर होते हैं तो एज अ सिंगर क्या कहते हैं आपके सीखना कितना ज़रूरी है बाकायदा सीखना और उस्ताद कितना मानते हैं लोग अभी उस्ताद से सीखना। कुछ लोग तो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है हम तो सीखे सिखाए हैं। कोई भी फील्ड है ना कोई भी चीज़ है उसके लिए उस्ताद का होना लाजमी है। अच्छा क्योंकि वो आपको बेसिकली बेसिक्स बताते हैं कि आपने मतलब लाइक होता है ना सा रे गा मा पा अभी म्यूज़िक की बेस है मतलब आपको वोकल रेंज पता चलती है कि आप कहाँ तक गा सकते हैं। ओके मतलब कहाँ तक आपका वोकल रेंज है आपका पिच लेवल क्या है एक्चुअली। लड़कियों का पिच लेवल और होता है और लड़कों का पिच लेवल और होता है हर सिंगर का हर मतलब पिच लेवल हर कोई भी है किसी की आवाज़ बहुत शार्प होती है तो बेसिकली वो बताते हैं कि आपने बेसिक्स जो होती है बेस होती है इसकी हारमोनियम पे किसी पे भी तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें बेस का पता चलता है तब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे हम फील्ड में जब परफॉर्म करते हैं तो किसी कंपोज़र या किसी डायरेक्टर को भी पता होता है कि इसका वोकल रेंज ये है और अगर ये कंपोजिशन हम इस डायरेक्टर को देंगे तो वो इस सिंगर को देंगे तो वो बहुत अच्छा गा सकेगा। समटाइम आपने नोट किया होगा इंडिया से कुछ जो पाकिस्तान से सिंगर्स लेते हैं वो कंपोज जब करते हैं तो इधर देखते हैं जिस तरह मुस्तफ़ा जायद है इनका पिच लेवल मतलब बहुत खूबसूरत पिच लेवल तो वो एक हिसाब से उनको गाना देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो सिंगर है इस पिच पे गा सकता है इस पिच पे ये गा सकता है। ये बताएं कि आप किसको सुनते हैं ज़्यादा है? अगर आपके पास टाइम होता है या गाड़ी में जा रहे हैं तो किसको सुनते हैं? वैसे बहुत सारे सिंगर हैं लेकिन आप ज़्यादा मोस्ट जिसके कह रहे हैं कि आपका मेरा फेवरेट ये कह लें फेवरेट क्या है? फेवरेट तो मेरा इंडियन एक सिंगर हैं अरिजीत सिंह। उसे क्यों सुनते हैं? बिकॉज क्या है उसकी वो बहुत वर्सटाइल किस्म के सिंगर हैं वो क्लासिकल रॉक पॉप हर तरह के वो जो है ना सॉन्ग्स गा लेते हैं और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी एक जिसे कहते हैं ना कशिश सी है मतलब दिल में उतरने वाली आवाज़ है। अभी अरिजीत सिंह के आपसे कुछ सुनेंगे sure. लेकिन मैं अपने शेफ़ की तरफ जाना चाहती हूँ sure. आप हमें इतना अच्छा म्यूज़िक गाने सुनाते हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं अपने शेफ़ से पूछ लूँ कि वो जो बना रहे हैं और मैंने कहा था कि अच्छा बनाना जो बनाना है sure. जी सखी मुझे बताएं आप कि एक तो मुझे ऑलरेडी खांसी है मुझे बुखार है ऊपर से ये यहाँ पे मिर्ची मिर्ची जला रहे ताकि मुझे और खांसी आए ये क्यों कर रहे हैं आप? ये मेरे साथ खिलाफ हो गया पता नहीं क्या आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दा शकल भी ओके दा उस वाया दा साजिश था चा सरकड़े चा रूबा ने चा जमात के थे उठ किताब मर चुकी वाली सोजे किचन की
مخه زاسو نه کړل وسه اصل کې ارجیت سنگ ستا وخت دی زما هو وسه زما هو ډیر زاخ وخت دی ما زاتو د نصف علی فتح علی خان اورم دا اړه نه مخه سو کوم مستر ها صحیح ده اوکي هغه به ته دا غان سبا موږ ته پروګرام کې بیا نصرت سندره وې ٹھیک ده ستا په خبرو باندې ډیر په مشکله پوي ستا په غانه ځکه موږ پويږي ته پاره یو ټایم پکار دی وای اچھا جی کیا سنا رہے ہیں अरिजीत सिंह सुनना चाह रहे हैं। हाँ प्लीज आपके फेवरेट हैं भाई आप सुनते हैं इतनी तारीफ किया हम भी सुनते हैं लेकिन आप सुनाएं okay. कौन सा क्या सुना इस पे पोस्ट में आ ये हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी बहुत अच्छे और मुझे यकीन है कि मेरे ऑडियो इंजीनियर ने मेरी आवाज़ बंद की होगी मैं जोश में आके गा तो लेती हूँ कि कभी कभी आवाज़ सुन मैं कहती हूँ ओह माय गॉड ये मैंने क्यों गाया तो वैसे मुझे बचपन से मुझे फील होता जब भी मुझे जुकाम होता था ना तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ बहुत सुरीली हो गई है एंड कि मैं अब देखो मैं बेस आ गया उसमें ये हो ना तो मैं ज़्यादातर गाती थी उसमें बाथरूम सिंगर हूँ अच्छा मतलब आप कुछ गाना चाह रही हैं तो हमें सुना दें आज खड़ी खड़ी सुनाऊंगी वैसे कुछ नहीं सुनाना गाना सुनाना समझ भी नहीं आएगी तो मैं बिलाल के सामने आज मैं गाऊंगी ठीक है ये फिर बताएंगे कि मेरा पिच कहाँ पे है कहाँ पे है दमाल वापस रास्ता निकलेगा जी वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा खालिदुन के उज़लिबिया स्टडी मशी पखैर पख्तूनख्वा था जमुन डिस्कशन दा रवानो जो मैं जमाडी फ्रेंड्स दी चागा संदर गाड़ी दी और म्यूजिक जमाडी ज्यात खख थे खो जमा मत मत जी जमा दोस्तानी हुई चीता संदर मो ऐसा सा द वस कारण रे जे कि मैं आप बेताली भी एमबी सूरी भी है तो बिल्कुल ना गए लेकिन आज जो चूँकि मेरी तबीयत ख़राब है गला ख़राब है वही वाली बात है कि जब मैं बीमार होती हूँ मुझे लगता है मेरी आवाज़ बहुत सुरीली हो गई है तो अब बिलाल बैठे हुए हैं बिलाल जज करेंगे बताएंगे मैंने गाना गाए भी थे मैं जब अफगानिस्तान में शो कर रही थी तो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं जावेद अमर खेल तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो मैंने गाना गाया था मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने प्रोग्राम वो यूट्यूब पर पढ़ा होगा वो भंडार विद नजीबा के उसमें गाया था मैंने काबल तजमा काबल खजेद बयान रज़म ये नगमा बहुत अच्छी सिंगर है उनका उनका पुराना गाना है मैंने दोबारा गाया तो उसने कहा कि नजीबा तुम्हारी आवाज़ मर्दों जैसी वो छोड़ दो तुम अब शक्ल तुम्हारी लड़की जैसी है लेकिन गाना जो तुमने गाया मर्दों जैसे और वो मेरी नकल भी उतार रहा था कि तुम इस तरह गाती हो अब मैं आपके सामने मैंने अपनी इज्जत अफजाई की है तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बता दिया हाँ मैंने सच बता दिया भाई तो आप गिटार अच्छा बजाते हैं मेरी आवाज़ अच्छी है इसलिए मैं क्या गिटार के साथ कौन सा गाना गा सकते हैं
इंडियन ताकि मुझे पिच बताओ कि कितनी बेसुरी कितनी वो आता है तेरे धोखे ने सजना शाबशे मैं वो पंजाबी डायरेक्ट नहीं पंजाबी उर्दू का कौन सा तेरा नाम बताऊं किसको नहीं नहीं कुछ आसान सा तेरे बिन नहीं कैसे भी आतिफ का कोई भी गाना आतिफ का आदत गा ले या फिर वो गा आदत तेरे बिन आतिफ का मुझे नहीं आता तेरे बिन आतिफ अच्छा ऑफ कोर्स मुझे पसंद है ऐसे लेकिन उसके गाने मुझे नहीं आते मुझे गजल आता है कौन सी वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी नहीं नहीं बहुत पुराना ये मशगला है किसी का न जाने आपको पता है ये गजल जी सुन रहा हूँ मैं नहीं आपको पता है इस गजल के बारे में नहीं पता आपने सुनी नहीं ये मशगला है किसी का न जाने क्या चाहे न फासिलों को मिटाए ना फैसला चाहे ये भी है आपने सुना ये गजल फिर दूसरा गाना वो गाए ना जो नूर जहाँ की गजल है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या आए हाय इतना मुश्किल नहीं मतलब तू जो मिल जाए वो देखे उनकी एक पंजाबी का सॉन्ग है जी मैं हो नहीं जदू होली जई लेने मेरा ना जदू होली जई लेने मेरा ना मैं था मर जा क्यों हंस रहे हैं ये हंस रहे हैं आप आपको पता है आप बिल्कुल ठीक आ रही हैं ये गिटार नहीं बजा रहा मेरे साथ मैं शो कर ही नहीं रही ये नहीं 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 दोबारा करेंगे हम दोबारा करेंगे मैं इस बीमारी में मतलब सुर में गा आपने गिटार ही नहीं बजाया मेरे साथ नहीं आप ये इसके साथ गिटार आप शौक में चले गए आप वाकई में सही गा रही थी क्या नहीं ये सुर मुझे मिल नहीं रहा ना ये शायद सुर आया ही नहीं मेरा सुर इतना ऊपर है कि पीछे रह गए गिटार देख ले बस नुसरत साहब के बाद अब आप ही हैं उड़ाने मजाक मैं फिर भी ये गाना गाऊंगी ठीक है जादू होली जई लेने मेरा ना जादू होली जई लेने मेरा ना मैं था मर जानिया है मैं था मर जान या ओके इसको ठीक कर लें डॉक्टर साहब ऑफ दैट मे बी हां तो बताओ कितनी बेसुरी कितनी बेताली और कितना मुझे रियाज करनी एक सिंगर ने मुझे कहा था आप 20 साल रियाज करेंगे नहीं आप गा तो सकती हैं अच्छा? अभी आप बहुत लो स्केल से गा रही थी लेकिन वो ठीक था मतलब आप और इसमें प्रैक्टिस अब मैंने अपनी आवाज से जितने लोगों को बोर किया कि अपना गिटार बजाना भूल गए उनको सुर ही नहीं मिल रहा अब अपनी खूबसूरत आवाज में कोई गाना सुनाएं ताकि इनको सुर मिले उनकी जो देखने वाले हैं उनका भी मूड थोड़ा सा अच्छा हो आई एम सॉरी मैंने ये कोशिश की सॉरी ओके वो पंजाबी है देखिए मश पंजाबी गा दें ओए डी शार्प माइनर पे हैं डी शार्प माइनर वो वाली गजल कर रहे हैं ये अदा ये नजाकत ठीक है नहीं नहीं वही करते हैं ले लेते हैं जी शगुफ्ता भी इस्लामाबाद ले लें हेलो लाहौर सॉरी लाहौर हेलो वालेकुम अस्सलाम जी शगुफ्ता जी खुश आमदीद संगई तासो ठीक ठाक था सुखस्ता और लगभग गाना मुई थैंक यू शगुफ्ता दीर ज्यादा तमन्ना दस्तखान यो बला गाना मोए मता छ सुना खान दे करना दीना पता लगी जमा आवाज सुमर खा दे ना नूर संगे ता सुखी जी प्रोग्राम गो रही अल्हम्दुलिल्लाह जी गोरु थैंक यू वेरी मच जी जे गुफ्ता जी मंगवा ता जमा आवाज खुद ना खाना दे खो बिलाल आवाज के बताव से संदर मंगो ठीक जी थैंक यू वेरी मच मजाक उड़ा रही हैं लाहौर से कॉलर को कॉल की किताब की आवाज बहुत अच्छी और गाना गाएं और हंस रही हैं मुसलसल हर मुसलसल हंस रही कोई नहीं वैसे होता है ना शुरू शुरू क्या करें यह हकीकत है एक तल हकीकत है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है जी बिलाल तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया ते मैं मरते गईयां फिर सा क्यों आया तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगे ए जहर जुदाई दा पीते लवांगे एक गम तू सी देता सौ गम आप पाले सब कीता से अपना तेरे हवाले हुन रातां नू यादां दी छाने बैके मैं तस्बीह करां तेरा नाम
के थक गईया सारे मैं दुखड़े सके आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के तेरी गुंजर अखियां विच सावन लवाया ते मैं हंजुआं दे बारिश विच प्यार बहाया तेरे धोखे ने सजना तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया ते मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया सॉरी क्योंकि कुकिंग कर रहे हैं जकी और मिर्चे जलाए जा रहे हैं और हाँ बस आपकी हिम्मत है कि आप गाए जा रहे हैं आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें ये बोल रहा हूँ कि मुझे मिर्चों की वजह से काफी आई नो मेरे गले पे मिर्चे लगे साजिश की है मेरे खिलाफ भी साजिश की और आपके खिलाफ भी साजिश की है प्रोग्राम के बाद हम इसकी खबर लेंगे बिल्कुल इसी तरह जनाब जकी आपने मिर्चे फुल जला ली है और भी जलानी है मैडम मैंने डिश मेरी रेडी हो गई ना तुम डिश तैयार हो और आपने साजिश की अभी प्रोग्राम के बाद पूरी इंक्वायरी होगी शामिल सारा जहां है हाँ सारा जहां मुझे लगा हर जरे जरे की ये हाँ हाँ तो ये अब चिकन विंग्स आपने रेडी कर लिए एक बात पे आपकी माफी हो सकती है कि प्रोग्राम के बाद हम खाएंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर मजे के हुए तो हम फिर रिएक्ट नहीं करेंगे आपके ऊपर केस नहीं करेंगे मैं और बिलाल अदरवाइज तो आप गए बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम में आए और आई एम सॉरी अगेन आपको भी खांसी लग रही है मेरे वायरस वान ही गए ये सिर्फ मिर्चों की वजह से हाँ मिर्चों का है आप क्या सुना रहे हैं ठीक है और पिया अच्छा किससे कैसे करोगे हाँ उससे एक स्केल डाउन हाफ नोट नीचे कर लेना बस रिदुन को द बिलाल दी खैस्ता सॉन्ग से चिकन देम का प्रोग्राम बाय डब गो जी बिलाल ओरे पिया Yeah.